हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे आइसोपॉली एसिड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइसोपॉली एसिड को जो है डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ एमएससी सेकेंड सेमेस्टर का। और ये जो सिलेबस था मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में था, तो मेरे पास एक हैंडमेड नोट है जिसे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मुझे ये टॉपिक जो है एक्चुअली जितना मुझे बेसिक नॉलेज है मैं उतना बताने की कोशिश करूंगा, और आपको एक हैंडमेड नोट प्रोवाइड करूंगा जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपको नोट्स बनाने में हेल्पफुल होगा। और सेमेस्टर एग्जाम में अगर आप ये नोट्स लिखते हैं याद करके, तो आपको डेफिनेटली अच्छा मार्क्स मिलेगा, ये मैं कंफर्म कह सकता हूँ। लेकिन आपको 100% ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, लर्निंग प्रोसेस है मेरा भी, सीख रहा हूँ। और नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मेरा वीडियो यूज़फुल नहीं है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं होगा आई थिंक, क्योंकि मेरा भी ये जो है एक नोट्स है जिसे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आइसोपॉली एसिड। आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे और कुछ गलतियाँ हो गए तो उसे सुधार लेंगे। तो आइसोपॉली एसिड एक्चुअली क्या है? ये पॉली एसिड जो है दो प्रकार के होते हैं, एक है आइसोपॉली एसिड और एक है हाइड्रोपॉली एसिड। ठीक है, इस वीडियो में हम आइसोपॉली एसिड देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर, उसका जो है किस प्रकार से मैकेनिज्म है, ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइसोपॉली एसिड और हाइड्रोपॉली एसिड जो है हमारे सिलेबस में है। पॉली एसिड टू टाइप से होते हैं। तो आइसोपॉली एसिड एक्चुअली आपको सिंपल सा डेफिनेशन लिखना है, व्हाट इज आइसोपॉली एसिड, आपका आ सकता है क्वेश्चंस में। तो द पॉली एसिड कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एसिड एनहाइड्राइड आर कॉल्ड आइसोपॉली एसिड। ठीक है, मतलब कोई भी एनहाइड्राइड, हम कोई भी जो पॉली एसिड होता है सिर्फ एक प्रकार के अगर एसिड एनहाइड्राइड को कंटेन करता है तो उसे आइसोपॉली एसिड कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा पॉलीक्रोमिक एसिड है ये H2O पॉइंट XCrO3, ये हमारा इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जहाँ पे X इक्वल टू हम कोई भी मेटल लेंगे जिसका जो है X इक्वल टू 1 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, X जो है एक से ज़्यादा ही होगा उसका संख्या। तो ये हमारा सिंपल सा पॉली आइसोपॉली एसिड का सिंपल परिभाषा दे सकते हैं कि एक से ज़्यादा प्रकार के एनहाइड्राइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स अगर किसी पॉली एसिड से जुड़े हैं तो उसे आइसोपॉली एसिड कहते हैं। इसका एग्जांपल आप पॉलीक्रोमिक एसिड है। ठीक है, अब आइसोपॉली एसिड एंड देयर सॉल्ट, इसके सॉल्ट के बारे में करते हैं कि आइसोपॉली एसिड से हम किस प्रकार से सॉल्ट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो दिस एसिड आर ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग ऑक्सीजन एटम इन एन ऑक्सी एसिड बाय रेडिकल ऑफ द सेम एसिड। फॉर एग्जाम्पल ये जो एसिड होते हैं, आइसोपॉली एसिड होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं? किसी भी ऑक्सीजन, अगर हमको कोई रिएक्टेंट दिया है तो उसमें ऑक्सीजन एटम को रिप्लेस करके ऑक्सी एसिड जो है रिप्लेस करेगा रेडिकल से। ठीक है, ऑफ द सेम एसिड। ठीक है, ऑक्सीजन एटम जो होगा इन ऑक्सी एसिड में, किसी भी ऑक्सीजन जो मतलब ऑप्टेन होगा, किसी भी ऑक्सी एसिड में जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन होगा उसको रिप्लेस करेगा सेम एसिड। ठीक है, रेडिकल के द्वारा इसको जो है हमको रिप्लेस किया जाएगा। ये सिंपल सा इसका जो है आप मैकेनिज्म समझ सकते हैं, इसका एक एग्जांपल है आइसोपॉली से इसका सॉल्ट कैसे निर्माण होता है। तो -H2 अगर यहाँ से होगा रिएक्शन होगा तो हमारा ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा H2Cr2O7 जो हमारा आइसोपॉली एसिड सॉल्ट है। उसी प्रकार -3H2Cr4 जो -2H2O अगर यहाँ से रिप्लेस होगा तो ये हमारा प्राप्त होगा ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, ये बहुत सिंपल है एक्चुअली, ये 2H2 है तो 4H2 हो जाएगा, तो ये H2Cr2O8 होगा जहाँ पे ऑक्सीजन एटम और H2 जो है हमारा रिप्लेस होगा, तो आपको ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। उसी प्रकार ये 4H2CrO4 में -3H2 अगर जा रहे हैं, वहाँ से एक ऑक्सीजन रिप्लेस हो रहा है, तो हमको ये सॉल्ट प्राप्त होगा। ठीक है, प्रोडक्ट के रूप में। तो ये सिंपल सा इसका आइसोपॉली के सॉल्ट कैसे है ये बता सकते हैं हम। द इंपॉर्टेंट आइसोपॉली एसिड क्या क्या है? आइसोपॉली मॉलिब्डेट, आइसोपॉली टंगस्टन एंड आइसोपॉली वेंडेट्स। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट आइसोपॉली एसिड है। स्ट्रक्चर देखने से पहले एक बार देख लेते हैं, सिंपल सा आप इसका डेफिनेशन देंगे, इसके सॉल्ट के लिए ये आप दे सकते हैं और ये एग्जांपल आप दे सकते हैं, आपको मिल जाएगा नंबर। अब इसका अगर मान लो स्ट्रक्चर आपको पूछता है, इससे पहले जो आइसोपॉली एसिड नियोबिडम और टेंटेलम का है, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको आइसोपॉली एसिड में सिर्फ जो है डेफिनेशन, इसका एग्जाम्पल और ये इसका स्ट्रक्चर आप बना देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे है? एक्सरे के द्वारा हम इसका स्ट्रक्चर को पता कर सकते हैं। डिफ्रैक्शन स्टडी दैट दिस एसिड आर फॉर्म बाय MO6 ऑक्टाहेड्रल विच कंबाइन विथ बाय शेयरिंग ऑफ कॉर्नर्स MO एंड W लाइज इन सेंटर ऑफ द ऑक्टाहेड्रल एंड ऑक्सीजन एटम द कॉर्नर ऑफ द ऑक्टाहेड्रल। ठीक
ठीक है, ये हमको जो है इसका स्ट्रक्चर आइसोपोली एसिड का जो है एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा प्राप्त होता है, और एमओ जो एमओ ऑक्टाहेड्रल है उसके डिफ्रैक्शन के द्वारा हमको इसका स्ट्रक्चर दिखता है। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनता है, आइसोपोली एसिड का MO6 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, यही इसका स्ट्रक्चर है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे। एक्चुअली इसका कॉर्नर्स मिलके जो है कॉर्नर्स मिलके इसके स्ट्रक्चर्स का निर्माण करते हैं, तो आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं आइसोपोली एसिड के लिए। और ये डेफिनेशन बस यही है इस टॉपिक का एनालिसिस, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है आइसोपोली एसिड जो है। इसके बाद हम जो है हाइड्रोपोली एसिड देखेंगे, तो आई होप कि आपको एक इंपॉर्टेंट नोट्स मिल गया होगा जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में यूजफुल हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि यही वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। हाँ, पर आपको जो है सेमेस्टर एग्जाम में अगर नोट्स बनाना है, नोट्स लिखना है जो कि इंपॉर्टेंट होता है नोट्स हमारे लिए, तो आपके लिए इतना इनफ होगा एग्जाम में लिखने के लिए। 3 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चंस में भी आएगा तो आप इतना लिख सकते हैं। तो बस यही था इस टॉपिक का एनालिसिस, आई होप कि आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल हो। आगे हम हाइड्रोपोली एसिड देखेंगे, उसी प्रकार आइसोपोली, हाइसोपोली में हमारा सिलिकेट्स, सिलिकॉन, कार्बाइड्स, नाइट्राइड्स ये सब आते हैं जो कि एक एक वीडियो में हम देखेंगे। तो बस यही था इस टॉपिक का एनालिसिस। तो अगर आपको यूजफुल हुआ हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।